आज हम सीखने वाले हैं एरोप्लेन बनाना, ठीक है। एरोप्लेन बनाना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये जो हमने पेपर लिया है इस पेपर को क्या करना है, सेंटर में बिल्कुल इससे भी और इस साइड से भी दोनों तरफ से सेंटर में क्या करना है, ठीक है। ऐसे मुड़ गया, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को ठीक फिर से नीचे, ठीक हो गया। अब देखो इस पोर्शन को हमको इसके ठीक ऊपर लेके आना है, यहाँ पे, ठीक हो गया, क्लियर। यस सर। जैसा इस साइड से वैसे ही दूसरी साइड से भी, ठीक हो गया। ऐसे अब जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो बच गया है, कौन सा सेप बन रहा है यहाँ पे, ये अधिकोण नहीं, सेप कौन सा बन रहा, ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हमको क्या लेके जाना है, ऊपर, ठीक है। ये लॉक हो गया यहाँ, इसको ऐसे लेना है और इसको ठीक सेंटर में से क्या कर देना है, अब मोड़ देना, ठीक है। ठीक हो गया, यस सर। इसको फिर यूं और साइड से भी मोड़ देना, हो गया। yes, sir. हो गया भाई, आज तैयार, ठीक है, क्लियर है। yes, sir. अब देखो अब हमको इसमें से क्या करना है, अब हम इसको इसमें से एंगल्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि इसमें से कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं और वो कैसे कैसे एंगल्स हैं। yes, वो न्यून कोण है, अधिक कोण है कि सम कोण है, ठीक है। या न्यून कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्यूट एंगल, अधिक कोण को ओब्ट्यूस एंगल और सम कोण को राइट एंगल, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खोलूंगा, देखो इसको। सबसे पहले तो आप बताओगे इसमें से यहाँ पर देखो इस पोर्शन में कहाँ कहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, तो अब आपको बताना है इसमें से कहाँ कहाँ पे क्या है एंगल्स। अब देखो एंगल्स कहाँ पे बनते हैं, पहले मुझे ये बताओ, जहाँ पर दो लाइन्स मिलती हैं। अब देखो यहाँ पर कहाँ मिल रही हैं दो लाइन्स, देखो एक लाइन इसको हम जो ये पूरा प्लेन है ना इसको हम एक लाइन मान सकते हैं और जो ये ऊपर का एक प्लेन है इसको एक लाइन मान सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल डिपेंड करेगा कि हम इसको कितना बेंड करेंगे। माना अभी इस पे कौन सा एंगल बन रहा है, अभी समकोण बन रहा है। जैसे जैसे हम इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, अधिक, और जैसे जैसे हम इसको इसकी तरफ डालेंगे तो क्या बनेगा, न्यून कोण, ठीक है। अब देखो हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, पूरा खोलते हैं हम इसको, कई सारे एंगल्स बन रखे होंगे इसमें, पूरा खोल दिया आप हमने। अब देखो कई सारे एंगल्स बने हुए हैं इसमें, यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, क्या एंगल है, न्यून, न्यून, यहाँ पर क्या एंगल है, ये इस लाइन सम, ये न्यून। अब कोई बच्चा इसमें अधिक कोण बता सकता है कि कहाँ पर अधिक कोण बना हुआ है, अधिक कहाँ पे, ये वाला, ये वाला कहाँ है, ये देखो एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये कैसा कोण है यहाँ पे, ये तो है न्यून जी, न्यून है ये सर, ये जी, हाँ वेरी गुड, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये आप देखो कैसे ये एंगल, क्या एंगल बना हुआ है यहाँ पे, नहीं इस लाइन और इस लाइन में, हाँ हमें तो ये भी अधिक नहीं है। और बताओ, और देखो ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं पर एक नई जगह पर तो बना ही होगा, ये देखो ना एक लाइन ये है और एक लाइन ये जा रही सीधी लाइन, yes, बना यहाँ पे, yes, ठीक है, क्लियर है, yes, एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, यहाँ पे बन रहा है, ऐसे कई सारी जगह पे कई सारे टाइप के एंगल्स बन रहे हैं। आप देखो ये एंगल्स है, एक एंगल यहाँ पे है, ये क्या एंगल होगा यहाँ पे, न्यून दिख रहा है तो न्यून। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये वाला अधिक, ठीक है, क्योंकि लाइन क्या जा रही है इसकी, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, ठीक है।